होटल राजमहल एपिसोड 151 पहली मुलाकात। दिव्या और विशाल के पीछे पूरा होटल आग की लपटों की आगोश में डूबता जा रहा होता है। धीरे धीरे एक एक करके होटल पूरी तरह से फिर से राख में तब्दील हो गया। दिव्या और अमन तेजी से होटल से दूर चले गए, लेकिन विशाल के कदम अचानक से रुक गए। उसने पलटकर होटल की तरफ देखा। तब विशाल को ऐसा महसूस हुआ मानो उस खाक में मिल चुके होटल राजमहल के बीचों बीच काले कपड़ों में अभी भी मल्लिका खड़ी हुई है और वो उसे ही नम आंखों से एक टक देखे जा रही है। ये देखकर विशाल को मल्लिका की तरफ एक खिंचाव महसूस हुआ। विशाल की आंखों के सामने एक धुंधला दृश्य तैरने लगा। मल्लिका आलीशान होटल राजमहल के रिसेप्शन पर एक बेहद खूबसूरत काली ड्रेस में खड़ी है और विशाल उसको दूर से देख रहा है। दोनों की आंखें मिलती हैं और मल्लिका शर्मा जाती है और उसकी नजरें नीचे झुक जाती हैं, लेकिन चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान वो छुपा नहीं पाती। विशाल बस उसकी खूबसूरती देखता रह जाता है। सफेद संगमरमर सा बदन जिसे किसी हुनरबाज शिल्पकार ने इत्मीनान से तराशा हो, चांद जैसे मुखड़े को काली घटाओं जैसे बालों ने घेर रखा हो, जिसे देखते देखते विशाल की आंखें थकने को तैयार नहीं हो रही थी। ना चाहते हुए भी उसके लबों से आफरीन निकल आया, जैसे इसी दिन के लिए वो गाना बनाया गया था। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन आफरीन। लेकिन तभी एक आवाज ने विशाल को खुली आंखों से देख रहे इस सपने से बाहर खींच लिया, जब दिव्या ने पीछे से आवाज दी, विशाल क्या हुआ? विशाल ने पलट कर देखा, सामने दिव्या की हैरान नजरें उसे कौंध रही हैं। ऐसा क्या देख रहे हो? विशाल की नजरों के सामने मल्लिका की वो हसीन तस्वीर अभी भी मौजूद है, लेकिन वो खुद को संभालता हुआ अपने आज यानी दिव्या को देखकर अपने अतीत मल्लिका को नजरों के सामने से हटाते हुए सिर्फ ना में सर हिलाता है। कुछ नहीं, चले? दिव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ हां में सर हिलाया। दोनों वहां से अपने घर की ओर चल पड़े। जयपुर की यह सुबह जैसे रात के अंधेरे को पूरी तरह से अलविदा नहीं कह सकी। बादलों ने सूरज को आज चमकने का मौका ही नहीं दिया। बादल मानो एक दूसरे से अपने अस्तित्व के लिए झगड़ रहे हैं, गरज रहे हैं, बरसने के लिए बेताब है। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश ने जयपुर को नहलाना शुरू कर दिया। दिव्या के हाथों में चोट की वजह से विशाल किचन में चाय बना रहा है। उसकी आंखें खिड़की से बाहर धमक रही बारिश पर टिकी हैं, लेकिन उसके दिमाग में रह रहकर मल्लिका की ही कही गई बातें घूम रही हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और मल्लिका? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं कैसे मल्लिका से प्यार कर सकता हूं? लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद मैं उसकी ओर खींचा क्यों चला जा रहा हूं? जहां पर एक तरफ विशाल के दिमाग में ये सारी बातें उबल रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ चाय उबलकर पतीले का साथ छोड़ने लगती है। तभी नहाकर आई दिव्या ने यह देखा और जल्दी से गैस को बंद किया। विशाल, चाय! एक बार फिर से विशाल के वर्तमान ने उसके अतीत से उसे बाहर धकेल निकाला। विशाल ने जल्दी से कपड़ा उठाकर स्लैब पर बह रही चाय को सोखना शुरू कर दिया। दिव्या, तुम्हारे हाथों में चोट है, तुम कुछ मत करो, मैं दोबारा चाय बनाता हूं। दिव्या सिर्फ गौर से विशाल को देखती जा रही है। विशाल उसकी तरफ देख तक नहीं रहा। दिव्या ने अगले ही पल विशाल के दोनों हाथ थाम लिए। विशाल ने नजरें उठाकर दिव्या की नजरों से मिला ली, लेकिन वो बहुत देर तक ऐसा कर ना सका। जैसे वो अपने बीते कल और आज के बीच की कश्मकश में फंसा हुआ हो। दिव्या ने एक कदम आगे बढ़कर विशाल को अपनी बाहों में समेट लिया। क्या हो गया है विशाल, तुम क्यों इतने परेशान हो? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। विशाल ने दिव्या को कसकर थाम लिया। दिव्या ने अपना चेहरा विशाल के सीने पर रख लिया। आज विशाल की धड़कनों का शोर बाहर हो रही तूफानी बारिश से भी कहीं ज्यादा है। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं दिव्या, मुझे अपनी पहचान तक पर भरोसा नहीं हो रहा है।
मैं कौन हूं, मल्लिका कौन है, मैं मल्लिका से कैसे प्यार कर सकता हूं। जो मल्लिका ने बयां किया अगर उसे एक पल के लिए सच मान भी लिया जाए तो ऐसा क्यों है कि मल्लिका मुझे याद नहीं, ऐसा क्यों है कि मैं जिंदा हूं और वो मर चुकी है। आखिर क्या हुआ था, मेरा परिवार नकली निकला, मेरा दोस्त नकली निकला, मुझसे प्यार के वादे करने वाली प्रिया नकली निकली, आखिर असली क्या है। अपनी बातें खत्म करते करते विशाल की आंखों से आंसू की बूंदें बहने लगी। दिव्या ने विशाल को इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा था, तब भी नहीं जब विशाल एक से बड़ी एक खतरनाक आत्माओं से भिड़ता था। दिव्या ने जल्दी से विशाल के आंसू पोंछे। विशाल, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते, चाहे जो भी हुआ होगा, लेकिन मैं जानती हूं उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। और क्या पता मल्लिका की बातों में कितनी सच्चाई है, क्या पता मल्लिका की ये कौन सी नई चाल हो। हम दोनों जानते हैं होटल राजमहल में सिर्फ राज दफन है, क्या सच है क्या झूठ है ये समझ पाना शायद नामुमकिन है। विशाल ने दिव्या की बातों पर एतबार करते हुए हां में सर हिलाया। दिव्या ने विशाल का हाथ थामा और उसे खींचकर किचन से बाहर ले गई। बेडरूम का दरवाजा खोला और दिव्या विशाल को लेकर अंदर दाखिल हुई। दिव्या ने विशाल को बेड पर धकेल दिया और इससे पहले विशाल कुछ भी बोल सके दिव्या उसके होठों को चूमने लगी। विशाल को पहले यह बहुत अजीब लगा, वो दिव्या को रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन दिव्या उसके और नजदीक आ जाती है, उसके ऊपर बैठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ लेती है और उसके होठों को चूमती रहती है, जैसे उसने ठान लिया हो कि वो उस बारिश में विशाल को अपने प्यार में पूरी तरह से डुबा कर ही रहेगी। दिव्या के इश्क के सामने विशाल हार मान लेता है, माटी से माटी मिल जाती है, छोड़ के सभी निशान, किसमें कितना कौन है नहीं हो सकती पहचान। रात के 11 बजे रोज की ही तरह विशाल और दिव्या होटल राजमहल पहुंच गए, लेकिन आज शायद ऐसा पहली बार है जब विशाल को होटल पहुंचने की बेचैनी है। उसे अपने गुजरे हुए कल के बारे में जानने की बेताबी है, मल्लिका झूठ की कश्ती पर सवार हो या सच के सागर में डूबी हो, विशाल के सामने उसकी बताई कहानी सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं है। विशाल ने मल्लिका के कमरे की तरफ जाने के लिए अपना पहला ही कदम बढ़ाया है, तभी होटल रिसेप्शन के सामने मौजूद लिफ्ट का दरवाजा खुला और मल्लिका की आवाज सुनाई दी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन आफरीन। और यही बोलते हुए मल्लिका लिफ्ट से बाहर आई। उसने वही काले कपड़े पहने हैं जिसमें विशाल ने पिछली रात उसे अपनी धुंधली यादों में देखा था। विशाल की नजर मल्लिका पर टिकी रह जाती है, मल्लिका ठीक उसी अंदाज में शर्मा जाती है और नजरें नीचे झुका लेती है। दिव्या को यह देखकर बहुत अजीब लगता है। कुछ लोग शायद भूल गए हैं कि अब वो सिर्फ एक चलती फिरती भटकती आत्मा है। ये सुनते ही मल्लिका की मुस्कान उसके चेहरे से मिट जाती है और वो घूर कर दिव्या को देखती है। दिव्या अपना मुंह मल्लिका की तरफ से फेर लेती है। विशाल को भी एहसास होता है कि वो एक बार फिर मल्लिका के हुस्न में डूब रहा है। तभी हाफता हुआ और गहरी सांस लेता हुआ अमन होटल के अंदर दाखिल होता है। अरे मुझे माफ करना, आने में देर हो गई। विशाल ने अमन की बात को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए सीधा मल्लिका की ओर देखा। आगे क्या हुआ मल्लिका, मुझे जानना है वो सारी बातें जो कल अधूरी रह गई थी। मल्लिका ने प्यार भरी नजरों से विशाल को देखा। आओ मेरे साथ। मल्लिका ने रूम नंबर 1101 के सामने अपना हाथ उठाया और एक झटके से उस कमरे का दरवाजा खुल गया। उसके पीछे पीछे विशाल और उसके पीछे दिव्या और अमन भी वहां पहुंच गए। विशाल ने उस कमरे के चारों ओर देखा, तभी मल्लिका की आवाज सुनाई दी। यही वो कमरा है जहां से सब शुरू हुआ। विशाल ने मुड़कर मल्लिका की आंखों में देखा जो अब नम है। मल्लिका अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, प्रिया को परेशान कर रहे उस लड़के विराज चौहान के कहे मुताबिक मैंने पहली बार उस शाम होटल राजमहल में कदम रखा।
उसने प्रिया को मिलने के लिए इसी कमरे में बुलाया था। अपनी बातें बोलते बोलते मल्लिका यादों की गलियों में भटकने लगी। वो इसी आलिशान कमरे 1101 में मौजूद है। थोड़ी घबराई, लेकिन वो अपनी वन पीस ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिख रही है। उसकी नजरें विराज चौहान को तलाश रही है। तभी अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुला और मल्लिका ने देखा कि उसके सामने एक लड़का बाथरूम में लिपटा खड़ा हुआ है। उस लड़के ने मल्लिका की तरफ देखा तक नहीं। हाँ बोलिए, आपको क्या काम है मुझसे? पर इस समय मल्लिका का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है। मल्लिका ने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के पर हमला कर दिया। पर जैसे ही मल्लिका उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ी, फर्श पर गिरे पानी पर पैर पड़ने की वजह से वो फिसल कर उस लड़के के ही ऊपर जा गिरी। खुद को और मल्लिका को संभालने के चक्कर में वो लड़का मल्लिका के साथ ही फर्श पर गिर गया। उस लड़के और मल्लिका का चेहरा बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होता है। दोनों ही गौर से एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे होते हैं। बस कुछ ही दूरी के फासले में उनके होंठ भी कपकपा रहे होते हैं। काफी देर तक यूं ही एक दूसरे की आगोश में रहने के बाद मल्लिका अचानक होश में आई और खुद को उस लड़के से अलग करती हुई एकदम से उठ खड़ी हो गई। फिर खुद को संभालती हुई दोबारा गुस्से से उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की, यू पर्वर्ट? एक्सक्यूज मी, बिन मौसम की बरसात की तरह मेरे ऊपर गिर पड़ी तुम, और पर्वर्ट मैं हूं। ये मेरा कमरा है और अब आप मुझ पर ही चिल्ला रही हैं। चिल्लाना तो मुझे चाहिए, है कौन आप? मल्लिका की बात सुनकर उस लड़के ने भी गुस्से में मल्लिका के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा, और तुम जो मेरी सहेली को वीडियो क्लिप दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, उसका कुछ नहीं? मैं बहुत अच्छे से जानती हूं तुम जैसे लड़के को। पहले तो अच्छा बनने का नाटक करते हो और फिर भोली भाली लड़कियों का वीडियो क्लिप बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हो। कहां है तुम्हारा मोबाइल फोन, बताओ मुझे? मल्लिका ने भी गुस्से में उस लड़के को धमकाते हुए कहा। क्या कहा? ब्लैकमेल, वीडियो क्लिप? ओ हेलो मैडम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं उन आवारा लड़कों की तरह नहीं हूं, और तुमको मेरे फोन से क्या काम है? मल्लिका की सारी बातें सुनकर उस लड़के ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन लड़का कुछ कर पाता उससे पहले मल्लिका उस लड़के के मोबाइल फोन को बिस्तर से उठाकर जोरदार रूप से जमीन पर पटक देती है और अपने हाई हील्स को उसके फोन पर मार मार कर उस पर कूदने लगती है। अब पता चलेगा तुम्हें बच्चू, उस लड़के ने मुंह लटकाते हुए कहा। मेरे फोन की मौत की जिम्मेदार तुम हो, मल्लिका ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। बड़ा शौक है ना तुम्हें लड़कियों को ब्लैकमेल करने का, अब भुगतो। लेकिन मल्लिका कुछ और बोल पाती उससे पहले ही उस लड़के ने मल्लिका की बात काटते हुए कहा, और तुम ये बार बार ब्लैकमेल वाली बात क्यों कर रही हो? मैंने कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया है। उस लड़के की बात सुनकर मल्लिका ने कहा, ये झूठ जाकर किसी और को बोलना। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम ही विराज चौहान हो, जिसने पहले तो मेरी बेस्ट फ्रेंड को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की, और जब वो नहीं मानी तब उसका अश्लील वीडियो क्लिप बनाया और अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। विराज चौहान, एक सेकेंड, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम विराज चौहान नहीं है और मैं इतनी गंदी हरकतें कभी नहीं करता। मैं लड़कियों की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, उस लड़के ने मल्लिका की बातों का जवाब देते हुए कहा। उस लड़के की बातें सुनकर मल्लिका के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन फिर भी मल्लिका ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं इतनी आसानी से कैसे ये मान लूं कि तुम विराज नहीं हो, कोई और हो? ठीक है, मत मानो मेरी बात, ये रहा मेरा कार्ड, और जाकर नीचे खुद होटल के रिसेप्शन पर पता कर लो कि मैं कौन हूं। उस लड़के ने मल्लिका को अपना कार्ड देते हुए कहा, विशाल वर्मा, असिस्टेंट मैनेजर, होटल राजमहल। मल्लिका के इतना कहते ही उसके सामने खड़े विशाल और दिव्या भी हैरान रह गए। विशाल ने पूछा, क्या मैं असिस्टेंट मैनेजर था पहले? मल्लिका ने हां में अपना सर हिलाया। विशाल ने फिर सवाल किया, लेकिन ये सब मुझे क्यों याद नहीं है? मल्लिका ने मुस्कुराते हुए कहा,
जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे याद आ जाएगा। तो क्या होगा अब कहानी में आगे? आखिर विशाल का होटल राजमहल से रिश्ता कितना पुराना है? क्या ये सब बातें जो मल्लिका बता रही है वो सब सच है? क्या विशाल सच में मल्लिका से प्यार करता था? क्या इस बात का असर विशाल और दिव्या के आज के रिश्ते पर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।